हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे क्लिक करके आप इसकी नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रहबर खान और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को नाइट फोटोग्राफी की एडिट दिखाने वाला हूं जो मैं इस वीडियो में आपने शुरू में देखे होंगे बिफ़ोर आफ्टर, तो मैं वही फ़ोटो को मैं आज एडिट करने वाला हूं। नाइट है तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लाइट रूम ओपन कर लीजिए, लाइट रूम CC, और यहाँ लाइट रूम ओपन करने के बाद आप यहाँ से प्लस में जाइए और यहाँ से एक फ़ोटो आप चूज़ कर लीजिए जो आपको एडिट करना है नाइट की। तो देखिए, मुझे ये वाली फ़ोटो को एडिट करना है तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ और ये फ़ोटो को मैं दिखाता हूँ कि कितनी नॉइज़ी फ़ोटो है और कितनी नॉइज़ इसमें है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं इसे रीसेट कर देता हूँ, कुछ एडिट्स मैंने किया था तो ओपन तक कर देता हूँ इसको, रीसेट ऑल। तो देखिए कितना नॉइज़ जो है इस फ़ोटो में आप लोगों को दिख रहा है, और नाइट में यही होता है, ज़्यादातर नॉइज़ आ जाता है बहुत ISO यूज़ होने के बाद। तो मैं इसकी इन्फो दिखा देता हूँ आपको कितना ISO इसमें यूज़ हुआ है। ये क्लिक हुई है कैनन 1300D से और इसमें ISO 6400 यूज़ हुआ है, तो ये काफ़ी हाई ISO है। तो मैं इसे एडिट करता हूँ। तो इसका नॉइज़ हटाने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा प्रीसेट्स में। तो फ्रेंड्स, कई लोगों के जो है मैसेज आए थे मुझे और कमेंट आए थे कि लाइट रूम जो है चेंज हो गया है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें नया फंक्शन कहाँ कहाँ ऐड हुए। तो मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जो अपडेट में आया है फ्रेंड्स, सिर्फ यही अपडेट हुआ है कि यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन थे पहले, लेकिन अब यहाँ सिर्फ 4 ऑप्शन है। तो फंक्शंस पूरे, इफ़ेक्ट पूरे वही हैं, बस थोड़े से समझ लीजिए आपकी फोल्डर्स बदल गए। तो जैसे कंपोनेंट्स में कुछ अलग फोल्ड आ गए हैं, आपको नॉइज़ जो रिडक्शन जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो आपको कंपोनेंट्स में मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ से नॉइज़ रिडक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। बाकी और भी हैं, ब्लैक एंड वाइट है, कलर है, तो ये देखिए ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ से मैं कंपोनेंट्स में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसमें नॉइज़ रिडक्शन 3 का यूज़ करूँगा। पहले 2 का यूज़ करके देखते हैं इसमें। तो देखिए 2 में थोड़ा सा नॉइज़ चले गया, मैं बिफ़ोर आफ्टर टैप करके दिखा देता हूँ, ये पहले की है और ये बाद की। तो मैं 3 का यूज़ इसमें करने वाला हूँ। तो 3 का यूज़ करने में देखिए ये और भी जो है स्मूथ हो गई है फ़ोटो। तो ये पूरा नॉइज़ यहाँ से चले गया है। देखिए, मैं बिफ़ोर आफ्टर फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये पहले का था और ये अभी नॉइज़ रिडक्शन 3 का यूज़ करने के बाद ये ऐसा हो गया है। तो यहाँ से हम इसे डन करते हैं और आगे की एडिट में देखिए, सबसे पहले हम लाइट में जाते हैं। लाइट में जाने के बाद हम इसका एक्सपोजर जो है कंट्रोल करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ से नेट बंद कर लेता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, एक्सपोजर कंट्रोल करके आप आपकी जो है एक्सपोजर सेटिंग से जाके, सॉरी लाइट में जाके एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्ट्रास्ट, अगर आप लोगों को ब्लैक्स ज़्यादा करना है यहाँ तो आप ब्लैक्स देखिए ये कॉन्ट्रास्ट से बढ़ सकता है। तो हम इसको भी नहीं छेड़ेंगे इधर, हम सिर्फ जाएंगे हाईलाइट कम करके देखेंगे। तो यहाँ जो पीछे का बैकग्राउंड होता है, ये देखिए ये वाला लाइट्स वाला, ये भी इसमें थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है। तो हम अभी हाईलाइट को भी नहीं छीते, अभी जाते हैं सिंपली शेडो में। शेडो को मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा ताकि ब्लैक्स और दिखे, शेडो कम हो जाए। वाइट देखिए, वाइट और ब्लैक का खेल ये वही रहता है, हाईलाइट्स और शेडो टाइप। तो वाइट्स जहाँ जहाँ होगा ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो मैं वाइट्स को भी कम करूँगा। ब्लैक्स को देख लेते हैं, ब्लैक्स
इतना रख के देखते हैं, थोड़ा सा कम कर देंगे। तो देखिए कुछ सेटिंग्स मेरी, यहाँ शेडो कम किया हूँ मैंने, वाइट्स कम किया हूँ बस यहाँ। और हम अब इसके बाद कर्व्स में जाते हैं। कर्व में हम सिंपली नॉर्मल कर्व चुनते हैं और इसमें थोड़ा सा इसे हाई कर देंगे। फिर यहाँ से जाएंगे, यहाँ से ब्लू थोड़ा सा बढ़ा देंगे हल्का सा, और रेड को थोड़ा सा इतना कम कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करना है इसमें, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो आपकी फ़ोटो जो है लाइटिंग बेकार हो जाएगी। तो इसे डन करते हैं सिंपली। और इसके बाद हम जाएंगे सिंपली कलर में। कलर में जाने के बाद देखिए यहाँ आप जो है आपका बैकग्राउंड का कलर क्या है, येलो। तो हम इसे टेम्परेचर कम करके देखते हैं कि हमारा कलर चेंज होता है क्या नहीं पीछे। तो ये तो हो गया, लेकिन हमारी जो है फ़ोटो में भी इफ़ेक्ट आ रहा है। तो हम सिंपली इसको इतना ही कर देंगे टेम्परेचर को। इसके बाद हम वाइब्रेंस को फुल करते हैं। और इसके बाद हम देखिए मिक्स में जाएंगे। मिक्स में जाने के बाद यहाँ से ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके इसका ह्यू कम करके देखते हैं। तो देखिए फेस में भी ये जो है आ रहा है। तो यहाँ से देखिए एक स्ट्रीट लाइट टाइप बहुत अच्छा दिख रहा है पीछे। तो इसका हम सैचुरेशन कम कर देते हैं थोड़ा सा येलो का, और ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो ये स्ट्रीट लाइट टाइप अच्छे से दिखेगा। और इसका ब्राइटनेस भी कंट्रोल करते हैं, यहाँ से ल्यूमिरेंस से जाके इसको ब्राइटनेस कम कंट्रोल कर सकते हैं लाइट का पीछे। इसके बाद हम जाएंगे येलो में। येलो का ह्यू बढ़ा के कम करके देखते हैं, कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ येलो कलर ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ऑरेंज टाइप दिख रहा है। इसके बाद हम जाते हैं सिंपली रेड में। रेड को देख लेते हैं, तो रेड ये वाला सही लग रहा है मुझे, ये भी ठीक है। सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिर से जाएंगे ऑरेंज में, इसका सैचुरेशन बढ़ा देंगे और ह्यू को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, तो ये ठीक है। तो यहाँ से हम इसे डन कर देते हैं। सिंपली जाएंगे हम फिर इफ़ेक्ट्स में। इफ़ेक्ट्स में इसकी क्लैरिटी बढ़ा देंगे ताकि हमारी फ़ोटो में थोड़ी सी डिटेल्स आ जाएं। तो ये डिटेल आ गई है। इसके बाद हम डीहेज का भी यूज़ करेंगे इसमें थोड़ा सा 20% जितनी, ताकि बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क और हो जाए। फिर विग्नेट का यूज़ करेंगे इसमें इतना, कम से कम माइनस टेन करते हैं इसमें, 10-12। मिड पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फेदर भी बढ़ा देंगे ताकि इसमें और भी कॉर्नर्स जो हैं स्मूथ हो जाएं। इसके बाद हम जाएंगे लेंस करेक्शन ऑन कर देंगे। लेंस करेक्शन ऑन करने से क्या होता है कि आपकी जो एज रहती है, आपके फोकस ऑब्जेक्ट की एज जो रहती है, कभी कभी ब्लू दिखती है। आप लोग अभी इस फोटो में तो नहीं दिख रही है ज़्यादा, तो ये जो एज रहती है फोकसिंग एज, इससे लेंस करेक्शन जो है ये करेक्ट कर देता है। अगर आपको और भी ट्यूटोरियल देखना है इसके, तो आपको YouTube में बहुत से मिल जाएंगे लेंस करेक्शन के ऊपर से, तो आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ हमारी इतनी एडिट हो गई है। अब हम सिंपली इसको शेयर करते हैं अपने स्नैपसीड से, तो इसे लोड होने देते हैं। तो ये आ गए हम स्नैपसीड में। अब इसमें जाएंगे सिंपली टूल में, और टूल में जाने के बाद हम इसमें सिलेक्टिव का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हमारी जो जैकेट है इसे डार्क कर देते हैं, और हमारे फेस को थोड़ा सा ब्राइट कर देते हैं, ये देखिए। तो ये फोकस हमारा जो है फेस में हो गया है, इसे ओके कर देते हैं। सिंपली जाएंगे, अब हमारा फेस जो है इसमें बहुत से पिंपल्स दिख रहे हैं, तो इसे पोर्ट्रेट का यूज़ करेंगे हम फेस को सही करने के लिए। तो पोर्ट्रेट में जाएंगे, फेस डिटेक्ट हो गया है। स्मूथ में जाएंगे, स्मूथ की स्किन स्मूथ 100% कर देंगे। तो देखिए स्किन स्मूथ हो गई है। फेस स्पॉट लाइट आप इस टाइप से बढ़ा सकते हैं, और आई क्लैरिटी तो रहने देते हैं हम। फिर जाएंगे, देखिए ये एक मोनो बना है फर्स्ट पे फेस का, तो यहाँ जाएंगे, इसमें आप आपके फेस के हिसाब से कलर जो है एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जिसमें सही लग रहा है उसमें आप रखिए। तो मैं
फेयर में थोड़ा सा सही लग रहा है, बट इसकी जो फेस स्पॉटलाइट है मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा। नहीं यार, इसे इतना रखते हैं, तो इसे हम डन कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा एडिट हो गई है हमारे स्नैपसीड में लाने के बाद। अब इसमें जाएंगे सिंपली हम कर्व में, कर्व में जाने के बाद हम इसमें जाएंगे ल्यूमिनेंस में और इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे ताकि हमारी और फोटो जो है पीछे बैकग्राउंड हाईलाइट हो जाए। तो जहां आपको सही लगता है आप वहां से करिए। आप अगर लाइटरूम से ही करना चाहते हैं तो आप लाइटरूम से भी कर सकते हैं। तो यहां से हम थोड़ा सा ब्लू बढ़ा देंगे इसका, यहां से क्या कर देंगे, टूल्स में फिर से जाएंगे, डिटेल इसको फुल कर देंगे शार्प, ताकि हमारी जो है ल्यूमिनेंस में जो सॉफ्ट हो गई थी वो थोड़ी सी और शार्प हो जाए। फिर इसके बाद हम फिर से टूल्स में जाएंगे, यहाँ विंटेज का यूज़ करेंगे हम। तो देखिए विंटेज, अलग अलग किस्म के विंटेज इसमें आते हैं, तो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है सेकंड नंबर का, और मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल स्ट्रेंथ कम इतना कर देते हैं और विंटेज को थोड़ा सा कम कर देते हैं, विग्नेट को ब्राइटनेस कंट्रोल करके देख लीजिए तो इतना ठीक है, इसे ओके कर देते हैं सिंपली। अब देखते हैं कुछ और इफेक्ट इसमें आ सकते हैं क्या नहीं। तो यहाँ से हम एक बार ब्लैक एंड वाइट डाल के देखते हैं कैसा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है, बाकी मैं इसे कलरफुल रखना चाहता हूँ तो मैं इसे बैक कर दूँगा सिंपली। अब देखते हैं ये वाला इफेक्ट, ये भी ब्लैक एंड वाइट वाला है, इसे भी नहीं करते। यहाँ कुछ इफेक्ट्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स हैं, तो इनमें से कुछ एक रखना चाहूँगा मैं, ये वाला, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, इतना रखूँगा मैं इसे 35% जितनी गेन पूरा कम कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये हो गई हमारी फ़ोटो एडिट। अब यहाँ से आप आपका वाटर मार्क डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, मैं डाल देता हूँ अपना कॉपीराइट रेबर ऑफिशियल तो ये हमारा वाटरमार्क भी बन गया है। इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इसका फॉन्ट फिर से चेंज कर देंगे, तो इसकी ओपेसिटी भी कम कर देते हैं ताकि और ब्रांडेड लगे। तो फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, मैंने ये पूरी फ़ोटो जो है मेरे पेन से बनाई है, पेन यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कैसी फ़ोटो थी और ये कैसी हो गई है। तो आप लोग इसी तरीके की एडिट कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, नीचे मैंने यूज़र नेम दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और मैं कुछ एप्लीकेशन की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप लोग वो जाके चेक कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ मैंने, वहाँ से जाके आप वीडियो देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है व्हाट्सएप की उससे ऐड हो जाइए। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।